नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Pad Mini vs Lenovo Yoga Tab 11 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैब के डायमेंशन की। दोनों टैब की लेंथ की बात करें तो Pad Mini में 8.34 इंच जबकि Yoga Tab 11 में 10.11 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Pad Mini में 4.9 इंच जबकि Yoga Tab 11 में 6.65 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Pad Mini में 0.3 इंच जबकि Yoga Tab 11 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि Pad Mini से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Pad Mini में 372 ग्राम जबकि Yoga Tab 11 में 655 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि Pad Mini से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Pad Mini में TFT LCD जबकि Yoga Tab 11 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Pad Mini में 8.7 इंचेस जबकि Yoga Tab 11 में 11.0 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Pad Mini में 800x1340 और Yoga Tab 11 में 1200x2000 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Pad Mini में 81.7% जबकि Yoga Tab 11 में 79.36% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Pad Mini में 179 पिक्सल प्रति इंच जबकि Yoga Tab 11 में 212 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स की जो कि टैब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Pad Mini में एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और Yoga Tab 11 की बात करें तो इसमें भी हमें एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Pad Mini में 4 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Yoga Tab 11 की बात करें तो उसमें 3 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Pad Mini में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Yoga Tab 11 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो टैब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Pad Mini में Mali-G 57MP1 जबकि Yoga Tab 11 में Mali-G 76MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Pad Mini में Unisoc T616 और Yoga Tab 11 में MediaTek Helio G90T मिलता है। बात करें RAM की तो Pad Mini में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 3GB 4GB की RAM मिलती है जबकि Yoga Tab 11 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Pad Mini में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Yoga Tab 11 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Pad Mini में अप टू 1TB जबकि Yoga Tab 11 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों टैब में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Pad Mini में 6400mAh जबकि Yoga Tab 11 में 7500mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Pad Mini में 2 कलर्स जबकि Yoga Tab 11 में 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Pad Mini में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जिसमें कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Yoga Tab 11 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme Pad Mini में 5 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Lenovo Yoga Tab 11 की तो उसमें 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों टैब सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों टैब सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों टैब सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों टैब सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें मोटो टैब G20 है, दूसरा Realme Pad Mini LTE है, तीसरा Samsung Galaxy Tab A8 2021 LTE है, और लास्ट कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें मोटो टैब G70 है। और ये सारे टैब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।